करके कह रही है कि लोगों को अपनी बचत का पैसा मत निकालने दो, उनको लोगों को अपनी बचत का पैसा मत निकालने दो। कौन कह रहा है? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कि उनका उनका जो हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बना हुआ है और 76,000 करोड़ का जो कहा गया है वो भी नहीं हुआ, तमाम तरह की बातों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो काफी कांग्रेस हमलावर है, क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट एकदम आज पैदा हो गया क्या? हमारे यहाँ जितना विकास हुआ है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, पर फिर भी सर्विस सेक्टर में जितने अभी एम्प्लॉयमेंट निकले हैं बहुत रोजगार निकला है। और मैं समझता हूँ आज के समय में तो स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीम निकाली, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 7 करोड़ लोगों ने लोन लेकर अपना रोजगार प्रारंभ किया। अब प्रियंका जी कौन से आंकड़े के आधार पर कह रही मुझे नहीं मालूम, पर केंद्र सरकार इसके प्रति चिंतित है और काफ़ी योजनाएं उन्होंने निकाली है और भविष्य में भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़े इसके लिए सरकार काम कर। भाई साहब बयानों का दौर चल रहा है, बयानों के वार चल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पे बयान करते थे, तो क्या लगता है कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करके मुख्यमंत्री बना जा सकता है या उनके बयान पे आपका क्या कहना है? पता नहीं यार मेरे को कहाँ से उन्होंने बयान दिया और ऐसे प्रश्नों के मैं जवाब भी नहीं देता हूँ। अच्छा प्रश्न हो प्रदेश के हित का तो वो पूछो। मतलब ये लगातार जो झाबुआ को साफ किया जाए विचारधारा को, तो कैसे साफ करेंगे क्या? देखिए झाबुआ की सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट है, पर उसके बाद भी जिस प्रकार वहाँ कांग्रेस का विरोध हो रहा है उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार का और कमलनाथ जी की सरकार का फेल्योर है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए सरकार का फेल्योर तो है और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि परंपरागत कांग्रेस की सीट है, यदि वो वाली सीट हार जाती है तो फिर तो कमलनाथ को एक सेकंड भी मुख्यमंत्री बनने लेने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लोग चर्चा में कहते हैं कि पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जो ईमानदार मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से जनता के द्वारा उन्हें पदवी है। इसीलिए महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, 2/3 बहुमत से सरकार बनी। सरकार ये सावरकर को भारत रत्न देने को लेकर बार बार विपक्ष हमला बोल रहा है, दिग्विजय सिंह ने भी हमला बोला कि कहीं ना कहीं गोडसे के साथ साजिश करने में शामिल थे सावरकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए कांग्रेस ने कभी भी गांधी नेहरू परिवार के बात सोचा ही नहीं और इसलिए उन्होंने उसको पढ़ा भी नहीं, तो पहले पढ़े हैं सबके बारे में उसके बाद भी कमेंट्स करें। बस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक फाइनल कमेंट, ऐसा लगता है इतना बड़ा दावा है कि हजारों करोड़ तक रोजगार आएगा, क्या लगता है? नहीं अखबारों में पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि काफी सफल रहा, पर मैदान पे कितना सफल होता है ये हम देखेंगे।